पीएम मोदी ने सांसदों को अपनी रुचि के अनुसार विकास के नए स्तोत्रों पर भी काम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक, देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, इस पूरे मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए। तो शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री ने पहली बार जो नौ निर्वाचित सदस्य हैं, फिर कहें कि एनडीए के इस संसदीय दल को संबोधित किया है, कौन सी बड़ी बातें आपको लगता है कि आगे आने वाले सत्र के दौरान दिखाई देंगी आचरण के तौर पर, क्योंकि यही आज सबसे बड़ा विषय है संसद में? देखिए, कल राहुल गांधी का संबोधन हुआ था नेता विपक्ष के तौर पर, और सत्ता पक्ष ने कहा था कि राहुल गांधी ने जो नेता विपक्ष पद की जो गरिमा है उसका ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपने संबोधन में तमाम ऐसी आपत्तिजनक बातें कही जिसको आज हमने देखा है कि कल देर रात संसद की कार्रवाई रिकॉर्ड से निकाल भी दिया गया है। उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो कुछ कहा, जो बीजेपी पर आरोप लगाए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि वो असंसदीय भाषा थी, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। आज जब हम देख रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, हालांकि इसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर एनडीए के सांसदों को कहा है, खासतौर पर जो पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, कि वो सदन की मर्यादा का ध्यान रखे, सदन में अपने व्यवहार का ध्यान रखे, यानी संसदीय मर्यादा, संसदीय परंपरा का पालन करें एनडीए के सांसद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और दूसरी बात ये कही है कि देश सर्वोपरि है, हम देश सेवा के लिए आए हैं, तो एनडीए के सांसद मुद्दे उठाएं, सांसद अपनी रुचि के हिसाब से अपनी रुचि को आगे बढ़ाएं, उस मुद्दे पर संसद में बात करें। किसी को जल संरक्षण में रुचि हो सकती है, किसी को तकनीक में रुचि हो सकती है, किसी को पर्यावरण में रुचि हो सकती है, कोई कृषि पर अपनी रुचि रख सकता है, कोई विनिर्माण या सर्विस सेक्टर पर अपनी रुचि पर बोल सकता है, तो अपनी रुचि को डेवलप करें और उस पर संसद में अपनी बात रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भविष्य में देखेंगे कि एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए और बीजेपी के जो सांसद हैं, वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी रुचि के हिसाब से बोलते नजर आ सकते हैं। शून्यकाल में सांसदों को, खासतौर पर जो पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, उनको एक मौका होता है कि वो अपनी बात रखें, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, बहुत बड़ा, एक तरह से कहें बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अभिनंदन किया गया, तीसरे बार लगातार वो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा भारत के इतिहास में दूसरी बार ही हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई गठबंधन की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के वो नेता है, तो निश्चित तौर पर उनका अभिनंदन किया गया। एनडीए के जो तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं, राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह, चिराग पासवान, एचडी कुमार स्वामी, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, क्या इन मंत्रों के जरिए विपक्ष को भी कुछ संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने, ये कहना कि हमारे लिए देश सेवा सर्वोपरि है, क्या ये एक तरह का कटाक्ष नहीं है विपक्ष के ऊपर कि कुछ लोग केवल अपने हित की सोच रहे हैं, अपने दल के हित की सोच रहे हैं, कैसे उनकी सीट्स बढ़े उनकी सोच रहे हैं, केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो बार बार अपने सांसदों, अपने सहयोगी दलों को बता रहे हैं कि भाई देश की सेवा के लिए आए हैं। और कई बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे लिए देश सेवा सर्वोपरि है, पार्टी दूसरे नंबर पर आती है। देखिए अजय, कई बार कुछ बातें कहकर भी नहीं कही जाती हैं और नहीं कहकर भी कह दी जाती है। एनडीए सांसदों को संबोधित कर रहे थे तो उनको एक सीख दे रहे थे, सलाह दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन संदेश छिपा हुआ है कि सांसद अपनी गरिमा का ध्यान रखें, जो चुनकर आए हैं उनकर उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं कि देश हित सर्वोपरि है उनके लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए सांसदों के लिए वही सर्वोपरि होना चाहिए। जब पीएम संग्रहालय की आज बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, उन्होंने सांसदों से कहा कि परिवार सहित जाएं, वहां देखें कि पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे उनका एक योगदान रहा है,
राजनीति से इतर, उसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं है कि किसी सांसद को वहां पर जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल की नेता की बड़ाई होनी है या किसी एक पीएम की बड़ाई होनी है। सभी प्रधानमंत्रियों ने जो योगदान किया है देश के लिए उसका जिक्र पीएम संग्रहालय में किया गया है, तो उसको जाने समझे, ये प्रधानमंत्री आज कह रहे थे। तो आप देखिए, इसका संदेश बहुत साफ है कि सभी के योगदान को स्वीकार करना है अगर किसी ने देश में योगदान किया है देश को आगे ले जाने में। और राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जब देश की बात होगी तो सभी एक सुर में बोले, और जब संसद के अंदर बोलने की बात होगी तो संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखना है, ये सांसदों की जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, हम सब जानते हैं, चाहे आप सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, संसद चले, मर्यादा का ध्यान रखे, ये सभी की जिम्मेदारी है। तो आप निहितार्थ तो निकाल ही सकते हैं, आप राजनीतिक समीक्षक है तो कह ही सकते हैं कि सारे सारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख दे दी है विपक्ष को भी कि वो अपने आचरण पर ध्यान रखे। शैलेंद्र, आपने कहा कि संसद को चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अब जबकि विपक्ष के बाद पिछले दो सत्रों या फिर कहें दो बार के बाद इस बार थोड़ा नंबर्स ज्यादा हैं, आक्रामक नजर आ रहा है, थोड़ी सी आक्रामकता, एक विश्वास, आत्मविश्वास विपक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है, तो क्या विपक्ष की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता के साथ दिया जाएगा, या फिर जैसे कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक लाइन में कहा कि हम अपने विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहते हैं, इस तरह से बहुत ही गंभीरता और मर्यादा के साथ उनका जवाब दिया जाएगा, आपको क्या लगता है संसद में किस तरह की आवाज आज के चर्चा के दौरान हो सकती है? अजय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन चलन आपको रोकना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा लोकसभा, जहां पर इस वक्त अब शायद चर्चा की शुरुआत हो गई, वापस लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए।